आइए, सो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे, राइट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग होता क्या है ये अपने बात करते हैं, राइट? अकाउंटिंग इज बेसिकली लैंग्वेज। जब भी हम लोग कोई लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, राइट? मेरे हिसाब से अकाउंटिंग का मतलब यह होता है, बचपन में आप लोग सुने होंगे अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज अ साइंस, राइट? सो अकाउंटिंग इज बेसिकली अ लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमको कम्युनिकेट करना है टू हूम? टू यूजर्स, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू यूजर दे विल डिसाइड वेदर दे वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर बिजनेस रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, राइट? हम उनको जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसके बेसिस पे दे आर गोइंग टू डिसाइड वेदर वो लोग हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है कि नहीं चाहता, राइट? सर, मेरे कई सारे सवाल हैं। ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड? मेरा जो बिजनेस है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन? तो वी नीड टू नो द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड वो इंफॉर्मेशन निकालते कैसे हैं? इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है, राइट? और किनको चाहिए, टू हूम? व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड टू हूम एंड व्हाई दे नीड? To whom and for what purpose they need information. कहने का मतलब है, what is accounting, why we do accounting, for whom we are doing accounting, right? What is the objective of accounting? सब clear हो जाएगा. All questions will be taken care by this discussion. जो भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो सारा डिस्कशन ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्लियर हो जाएगा, राइट? सो अकाउंटिंग इज बेसिकली अ लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द यूजर। व्हाट इंफॉर्मेशन, टू हूम, व्हाई, व्हाट फॉर, सब आंसर हो जाएगा, ठीक है? नाउ कॉमन सेंस से बताइए, राइट? What information you want to communicate?
रिलेटेड टू द बिजनेस, बिजनेस का नेट प्रॉफिट, दिस इज द इंफॉर्मेशन, बिजनेस का बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजिशन, उसका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का स्टेटस. सो दीज टू आर द इंफॉर्मेशन. किसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं? हु नीड्स योर नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? शेयर होल्डर, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाया है. भारत सरकार, क्योंकि आपके प्रॉफिट पे उसको इनकम टैक्स लेना है. समझ में आ रहा? हाँ. सो अकाउंटिंग इज बेसिकली अ लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर विल डिसाइड वेदर दे वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर बिजनेस रिलेशन और नॉट. नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन? यूजर में कौन कौन आते हैं, क्यों उनको चाहिए, ये सारी बातें हम लोग करेंगे. राइट? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? सबसे पहला प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. नंबर टू, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट. हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ना आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, ये प्लस टू लेवल में, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अगर हम कैश बुक बना रहे तो उसमें सारा इनफ्लो आउटफ्लो है, एक्टिविटी वाइज नहीं है. तो कैश फ्लो में एक्टिविटी वाइज. नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बताओ इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है मतलब कमाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज मोर देन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और ये माइनस है मतलब खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट परचेस्ड. तो फंड्स का फ्लो पता चल रहा है ना, हमने जो भी कमाया वो इस साल हमने इन्वेस्ट कर दिया. एग्जाम्पल टू, ये पॉजिटिव, ये माइनस. फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव मतलब क्या होता है? फंड्स बोरोड, इश्यू ऑफ शेयर या इश्यू ऑफ डिबेंचर, एंड उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया. तो बाजार से पैसे उठा के हमने इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं. आई एम गोइंग फॉर एक्सपेंशन. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आजकल मैंडेटरी हो गया, उससे मूवमेंट ऑफ फंड्स का प्रॉपर पता चलता है कि पैसा किस सोर्स से आ और कहां पे अप्लाई हो रहा है. ये बहुत जरूरी है. आज तुम लोगों से पैसा लियो धंधा करने के लिए, राइट? यू हैव टेकन मनी फ्रॉम द मार्केट टू डू बिजनेस एंड गिव देम रिटर्न. तो उनका पैसा तुम कहां अप्लाई किया वो जानना चाहता है. तो यू आर शोइंग देम, दे आपने 100 करोड़ दिया, हमने उस 100 करोड़ से एसेट खरीदा है. अब ये 100 करोड़ जो हमने इन्वेस्ट किया उससे अगले साल वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगी, और उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैं आपको डिविडेंड के रूप में बांटूंगा. समझ रहा? साइकिल समझ में आ रहा है? अभी मैंने बोरो किया एफ ए प्लस, इन्वेस्ट किया आई ए माइनस, नेक्स्ट ईयर से क्या होगा? ओ ए प्लस. कमाई आएगी ना नेक्स्ट ईयर, इन्वेस्ट कर दिया, अब कमाई आएगी ओ ए प्लस. अब जब कमाई आएगी तो वो प्रॉफिट को आप क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अगेन एफ ए माइनस. थोड़ा सा इंटरेस्ट देंगे, थोड़ा सा प्रिंसिपल देंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ. तो प्रॉपर मूवमेंट ऑफ फंड्स पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, राइट? ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो यूजर को चाहिए. इज दैट फाइन? नंबर फोर, ये सब कंपनी के केस में होता है, स्टेटमेंट ऑफ
changes in equity. बहुत सारी कंपनी क्या करती है अपना धीरे धीरे प्रमोटर्स का, कोई भी कंपनी में मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर्स का होता है, तो धीरे धीरे अगर मान लो कोई प्रमोटर अगर फ्रॉड किया होगा तो वो लोग क्या करेगा, धीरे धीरे अपना शेयर बेचना स्टार्ट कर देगा. तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से आपको उसका इशारा लग जाएगा, राइट. यू विल कम टू नो समथिंग और द अदर. एंड सिग्निफिकेंट रेशियोज, कई सारे रेशियोज निकालने पड़ते हैं यूजर्स के लिए, राइट. सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें आती है, राइट. इनको मेरे को जनरेट करना है, मेरे को नेट प्रॉफिट और पीएल बनाना है, पीएल और बैलेंस शीट बनाना है, तो उसके लिए हमको सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको अपने ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स बोलते हैं. समझ में आ रहा है? एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा रिलेट हो गया. अब इसको जनरेट करना है ना, बताते हैं. पहले यूजर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना. सो मैंने आपको क्या बताया, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज यूज फॉर, बताओ, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू हुम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू द यूजर. एंड उसके बेसिस पे यूजर अपना फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब यूजर को यह सब चीज कम्युनिकेट करना है, यूजर को यह सारी चीजें कम्युनिकेट करनी है, ठीक है. समझ में आ रहा है मेरा बात? तो यह सब जब कम्युनिकेट करना है तो इन सबको निकालना सीखना पड़ेगा, वही हमारा सिलेबस है. अल्टीमेटली अपने को ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा प्रॉफिट और बैलेंस शीट कैश फ्लो बनाना. तो उसके लिए अपने को पूरा वो प्रोसेस जानना पड़ेगा, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ब्ला ब्ला ब्ला. समझ में आ रही है मेरी बातें? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ, आइए नेक्स्ट. ये हो गया ना, समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये इंफॉर्मेशन जनरेट करना और कम्युनिकेट करना है यूजर को. इंफॉर्मेशन जनरेट करके क्या करना है, यूजर को कम्युनिकेट करना. आइए, हु आर द यूजर्स एंड वाई दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सबसे पहला शेयर होल्डर, इसको क्यों चाहिए नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट? भाई इसका पैसा लगा है, इन्वेस्टमेंट है, सारा पैसा ये लगाया बिजनेस में, राइट. सो कंसर्न्ड अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. यस और नो? इसको प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस का ग्रोथ से मतलब है. जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा उतना अच्छा है ना इसके लिए. आज इसने 100 करोड़ लगाया था, वो पैसा अब 300 करोड़ बन गया है, तो अच्छा ग्रो कर रहा है बिजनेस, राइट. गवर्नमेंट Concerned about collection of income tax. Yes or no? Net profit पे tax लेगी सरकार. And government को आपका balance sheet क्यों चाहिए? क्योंकि government ये देखना चाहती है हर asset का source properly explained है कि नहीं. आज हमने, ये हमारा बैलेंस शीट है, हमने एक हाउस खरीदा है 1 करोड़ का. यहां पर बैंक लोन दिखाई दे रहा है 80 लाख का और कैपिटल दिखाई दे रहा है 20 लाख का. समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये जो हमारे पास जो घर है इसका सोर्स प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है ना. आज आप लोग अक्सर देखते होंगे लोगों के घर में इनकम टैक्स की रेड होती है. हाँ, इनकम टैक्स का रेड में उस इंसान के घर से 50 लाख रुपए कैश, 2 करोड़ की ज्वेलरी, हाँ, और भी कॉस्टलीएस्ट सामान बरामद हुआ है.
तो जो आईटी ऑफिसर है वो उस इंसान को क्या पूछता है, लाइए अपना बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में आप देखेंगे ये सब चीजें नहीं है, तो क्या बोलेगा वो कि पड़ोस का मेरे यहां रखा हुआ है। ऐसा कौन सा इंसान है जो पड़ोस का गहना, पड़ोस का कैश अपने घर पे रख रहा है? बोल नहीं सकता वो ये बात। इसका मतलब ये पैसा उसी का है, ज्वेलरी भी उसी का है, तो उसको पूछा जाएगा कहां से लाया आपने, बोले चोरी किया, बोले नहीं साहब। बोले कौन सा रुपया से खरीदा आपने, बोला उन रुपया से खरीदा है मैंने जिन रुपयों पे मैंने आपको टैक्स नहीं भरा है, ब्लैक मनी। यस और नो? मतलब आज से 4 साल पहले मैंने 2.5 करोड़ रुपया छुपाया था सरकार से, 2.5 करोड़ कमाया था और वो डिस्क्लोज नहीं किया, समझ आ रही है मेरी बात? तो वो बन जाता हमारा ब्लैक मनी। उस ब्लैक मनी से अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो वो पाप है, और अगर वो सरकार के नजर में आ जाए तो सरकार बोलती है आपने इनकम कंसील किया है। क्या किया? इनकम कंसील, आपने इनकम कम दिखाया या दिखाया ही नहीं, जस्ट टू सेव योर टैक्स। क्योंकि अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो हम देश कैसे चलाएंगे, राइट? सरकार ऐसी भावनाओं से घिरी हुई है। एनीवे, सो गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड टू फाइंड वेदर देयर इज एनी कंसीलमेंट ऑफ इनकम और नॉट। डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, क्योंकि सारा काम यही लोग कर रहा है, वेदर बिजनेस ऑपरेशंस आर कंडक्टेड वेल, फुल स्टॉप, देयर रेम्यूनरेशन, क्या रेम्यूनरेशन is also based on net profits। समझ में आ रहा है? हाँ। उसके बाद employees, आज कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी उनकी जॉब सिक्योरिटी है, हाँ, प्लस इंक्रीमेंट इज ऑल्सो गारंटीड, क्योंकि अगर कंपनी का अर्निंग्स बढ़ रहा है तो कंपनी को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी कब हिचकिचाती है सैलरी बढ़ाने से? जब उसकी कमाई दिन पर दिन घटती जा रही है, राइट? तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके प्रॉफिट्स और उसके फाइनेंशियल पोजिशन अच्छे, मतलब कंपनी साउंड है, हमको हमारे जॉब का खतरा नहीं है और सालाना हमको हमारा सैलरी में भी हाइक मिल रहा है, राइट? हटा दो। नंबर 5, लेंडर्स, इनसे हमने पैसे बोरो किए थे और इनको हमने कहा था भैया हम आपको सालाना 10% ऑफ अमाउंट लेंडेड टू अस, उस पर हम आपको ब्याज देंगे, इंटरेस्ट, मतलब हम कमाए चाहे नहीं कमाए आपको देंगे, राइट? तो एक चीज सोचो, अगर किसी ने किसी को लोन दिया है, राइट, उसको पता है कि भैया मेरे को मेरा पैसा तो देगा ही सामने वाला, लेकिन एक चीज सोचो, सामने वाला लॉस करेगा तो भी मेरे को देगा, प्रॉफिट करेगा तो भी देगा, बट एक चीज सोचो, सामने वाला दिन पर दिन लॉस किए जा रहा है, हा? तुमको ब्याज तो दे रहा है, वो कहां से दे रहा है? वो अपना एसेट तोड़ के दे रहा है, यस और नो? तो कहीं ना कहीं उसका प्रिंसिपल और कैपिटल इज गेटिंग अफेक्टेड, बाद में जाके तुम पे ही भारी होने वाला है, राइट? सो concerned about regular interest payment and timely
रिकवरी ऑफ डेप्ट. तो दे कैलकुलेट वेरियस रेशियोज. जैसे तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाँ या ना, यस और नो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट. आज जितना ज्यादा कवरेज होगा लेंडर्स विल बी विलिंग टू गिव अस मोर मनी. प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच जितना स्ट्रांग होगा लड़ने में उतना ही मजा आएगा, राइट? डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, राइट? इज दैट फाइन? सो लेंडर्स को ये सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? तो ये सब इंफॉर्मेशन पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो वगैरह से ही मिलेगा. देन क्रेडिटर्स, कंसर्न्ड अबाउट टाइमली रिकवरी ऑफ डेप्ट. उधार में माल दिया इसने, यस और नो? मान लो आपने क्रेडिटर से उधार में माल लिया, उसको बेचा, पैसे आए, अब आपको क्या करना चाहिए था? क्रेडिटर चुकाना चाहिए था, फिर वो आपको सेकेंड कंसाइनमेंट भेजता. तो आपने जो क्रेडिटर से माल लिया उसको आपने बेचा, पैसे आए, वो आप घर ले गए, तो आपका करंट एसेट जीरो हो गया और आपका आज भी करंट लाइबिलिटी खड़ा है, यस और नो? सो इन दैट केस आपका करंट रेशियो जीरो आएगा. और बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट रेशियो, स्टैंडर्ड करंट रेशियो शुड बी 2:1. क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए द कंपनी और द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सफिशियंट करंट एसेट्स. अगर ऐसा होता है तो क्रेडिटर्स फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड देयर बाय दे कैन गिव यू मोर क्रेडिट्स, राइट? सो दे आर कंसर्न अबाउट टाइमली रिकवरी ऑफ डेप्ट एंड प्रोटेक्शन. And whether they are well protected or not. इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है? Current ratio, that is current asset by करंट लाइबिलिटी. समझ में आ रही है मेरी बातें? हाँ. इसके अलावा आपके कस्टमर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा, देर आर मेनी अदर इंटरेस्टेड पार्टीज इन नोइंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट? सो समझ में आ गया what is accounting, why we do accounting, what are the objectives of doing it, what we generate, blah blah blah. हाँ, अब accounting start होगा, मतलब अब उनको generate करने का process सीखेंगे कि net profit balance sheet कैसे बनाते. Accounting खत्म हो गया, अब बनाते कैसे वो सीखेंगे. How net profit is calculated, अब सीखना वो है, काम हो चुका है हमारा. हम लोग समझ में आ गया, अकाउंटिंग इज बेसिकली लैंग्वेज यूज, राइट? इट्स अ लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग डैश. बताओ क्या कम्युनिकेट करना है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू हुम? टू द पीपल हु आर इंटरेस्टेड, दैट इज यूजर्स. एंड वाई दे आर इंटरेस्टेड? बिकॉज दीज आर द कंसर्न्स, दीज आर द रीजन्स वाई दे आर इंटरेस्टेड. बिकॉज दे आर द सप्लायर ऑफ मनी, दे आर द सप्लायर ऑफ गुड, दे आर हैव सम रिलेशनशिप विद द बिजनेस. So they want to know whether my relationship with this business is fruitful or not, so that they can have a change in their decision. Is that fine? Samjha gaya why we do accounting, for whom we do accounting, what is accounting, right? What we generate in accounting. Ab ye net profit PL banane ka process janna hai humko. Is that fine? Samajh mein aaya mere ko sara baat? Ha? So my next question will be, right? Aap log ek baar padh lijiye isko acche se. Just read it once.
ठीक है, आइए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब हाउ टू कैलकुलेट ऑब्लिक जेनरेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमको डाटा डाटा चाहिए। इस डाटा का जब मैं प्रोसेसिंग करूंगा तो मेरे को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हमको क्या चाहिए, व्हाट आई नीड, डाटा। ये डाटा का मैं क्या करूंगा, प्रोसेसिंग, तो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन। और फिर ये इंफॉर्मेशन मैं क्या करूंगा, कम्युनिकेट कर दूंगा यूजर को। इज दैट फाइन, हाँ। हमको क्या चाहिए बोलो, डाटा। डाटा का क्या करूंगा मैं, प्रोसेसिंग, और उसे क्या बनाऊंगा, इंफॉर्मेशन। डाटा मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, राइट। ये हमारा डाटा हो गया। राइट, प्रोसेसिंग कैसे होता है, जर्नल बनाते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट। फाइनल अकाउंट मतलब ही तो पीएल बैलेंस शीट होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए डाटा चाहिए। क्या चाहिए हमें, डाटा। डाटा मतलब ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, बिजनेस कला। राइट, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस चाहिए, उनका फिर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग मतलब जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। तो इंफॉर्मेशन बनेगा, उसको फिर कम्युनिकेट कर देंगे। मैं हर एक एक चीज समझाऊंगा आपको, ठीक है, फिर इससे सम्स कराऊंगा, तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अकाउंटिंग मतलब कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन टू यूजर। इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन बनाते कैसे हैं, उसका तरीका सीख रहे हैं हम। क्यों बनाते हैं, किस लिए चाहिए, किसको चाहिए, ये सब किंतु परंतु वाला चीज क्लियर हो गया ना। कोई भी चीज कर रहे हो तो उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए। मकसद पता चल गया, ऑब्जेक्टिव पता चल गया, किसको चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, वो भी पता चल गया। अब जनरेट करके दे दो उनको। सर अगर हम मना कर दे उनको देने से तो, क्यों भैया, उसी का पैसा से तो तुम धंधा कर रहे हो। उनको मैंडेटरी है बताना। आज सरकार को तुम बोलोगे हम आपको अपना इनकम नहीं बताएंगे, अरे सरकार उस पर तुमसे टैक्स लेगी, देश का विकास करेगी। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है मेरा बात। एक एक बात, ट्रांजैक्शन इवेंट्स बात करेंगे, जनरल का बारे में बात करेंगे, लेजर के बारे में बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, लाइक दिस, राइट। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, आइए। ट्रांजैक्शन मींस एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ goods
सर्विसेस और एसेट, मतलब लेन देन, राइट? क्या बोलते हैं इसको? लेन देन, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राइट? तो ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, राइट, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, सर्विसेज हो रहा है और एसेट, गुड्स के बदले में गुड्स ट्रांजैक्शन है, गुड्स के बदले में सर्विसेज ट्रांजैक्शन है, गुड्स के बदले में कैश ट्रांजैक्शन है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेन देन, क्या मिल रहा है क्या दे रहे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. एक्सचेंज हो रहा है, राइट? नाउ शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ. जो भी लेन देन हुआ है उसको मनी या मनी इज वर्थ में आप मेजर कर पाए, तोल पाए. मेजरिंग टूल है ये. राइट? मनी मतलब हो गया कैश, मनी इज वर्थ में चेक आएगा, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर आएगा, प्रॉमिसरी नोट ऑब्लिक बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, बार्टर स्कीम आएगा. प्रॉमिसरी नोट ऑब्लिक बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? हाँ, अब ध्यान से सुनो. लेन देन, किस चीज का लेन देन हुआ है? गुड्स, सर्विसेज और एसेट. जो भी लेन देन हुआ है क्या वो मॉनिटरी टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए? हाँ या ना बोलो? मॉनिटरी टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए. मॉनिटरी टर्म्स मतलब मनी और मनी इज वर्थ. मनी और मनी इज वर्थ. वर्थ में क्या क्या आता है? चेक, ओरल प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, ओरल प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, रिटर्न प्रॉमिस. क्या? रिटर्न प्रॉमिस. ये वाला है ओरल प्रॉमिस, ये है रिटर्न प्रॉमिस. समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ, प्रॉमिसरी नोट इज रिटर्न प्रॉमिस. सो ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, एंड इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ. जैसे एग्जाम्पल वन, रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ रुपीज 2 लाख. बताइए क्या है ये? नॉट अ ट्रांजैक्शन. समझ में आया? क्योंकि कोई लेन देन हुआ ही नहीं, खाली ऑर्डर मिला है अभी. हायर्ड एन एम्प्लॉई एट अ कॉस्ट ऑफ
6 लाख पर एनम, बोलो, नॉट अ ट्रांजैक्शन। अभी खाली हायर किया, सर्विसेज एक्सचेंज थोड़ी हुआ है, काम करने थोड़ी लगा, खाली रखा है उसको, 15 तारीख से ज्वाइन करेगा। यस और नो, समझ में आ रही मेरी बातें? परचेज गुड्स पेड इन कैश, एक्सचेंज हुआ है और पैसे में तोला भी गया है, नॉट अ सॉरी, इट इज अ ट्रांजैक्शन। समझ में आती है बातें? हाँ, इट इज अ ट्रांजैक्शन, गुड्स खरीदा, पैसे हमने कैश में दे दिया, राइट? है ना? तो जहां एक्सचेंज नहीं है वो ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है? इज इट फाइन? हाँ, अच्छा, कोई भी एक्सचेंज अगर मनी में मेजरेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनी इज वर्थ मतलब क्या? चेक मतलब अपने बैंक अकाउंट से पैसा दे दिया या बैंक अकाउंट में पैसा मंगा लिया, इट इज ऑलमोस्ट कैश। चेक मतलब कैश ही होता है, राइट? ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, बाद में देंगे, उधारी का काम है, क्रेडिट। व्हाट अबाउट प्रॉमिसरी नोट एंड बाटा स्कीम? बाटा में क्या, हम तुमसे कुछ खरीदा, तुमको कुछ दे दिया, एक्सचेंज तो हुआ है। हाँ, कैश ट्रांजैक्शन है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? हाँ, क्यों, कैश तो है नहीं, उधारी भी नहीं है, इसका मतलब हम लोगों को कैश ट्रांजैक्शन का मतलब नहीं पता है। कैश मतलब ये जरूरी नहीं है कि फिजिकली कैश मौजूद हो। कैश ट्रांजैक्शन, जैसे कैश में पैसा दे दिया तो कैश ट्रांजैक्शन, मनी दे दिया मतलब कैश ट्रांजैक्शन, चेक इज ऑलमोस्ट कैश, ऑब्लिगेशन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बार्टर सिस्टम इज कैश ट्रांजैक्शन। क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में हम लोग कैश नहीं खोजते हैं, हिसाब किताब खोजते हैं। क्या खोजते हैं? हिसाब किताब बाकी है कि हो गया, बोलो, हो गया। बाटा सिस्टम में तो हो गया ना, इमीडिएट सेटलमेंट इज डन। क्या इमीडिएट सेटलमेंट हो चुका है, उसी का मतलब होता है कैश। जरूरी नहीं है कैश देके सेटल करो, कुछ और दे दिया सेटल हो गया। कैश में नॉट बी देयर, तो अगर तुम्हारे एग्जाम में आएगा व्हाट डू मीन बाय कैश ट्रांजैक्शन, तो तुम क्या लिखेगा? एक्टिविटीज जिसमें क्या इन्वॉल्व है, नहीं, कैश ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नहीं, कैश ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या लिखेगा? कि जिसमें कैश होना जरूरी है, कि इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मस्ट बी देयर। आज तुमसे हमने गुड्स खरीदा, तुमको कैश दे दिया, अकाउंट सेटल हुआ? तुमसे हमने गुड्स खरीदा, तुमको कैश पे में कर दिया, सेटलमेंट हो गया। तुमसे हमने गुड्स खरीदा, चेक दे दिया, सेटलमेंट हो गया। तुमसे हमने गुड्स खरीदा, बोला बाद में आओ, सेटलमेंट हो गया। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तुमसे हमने गुड्स खरीदा, बदले में तुमको कुछ दे दिया, सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट तुम कैश देके करो चाहे और कुछ देके करो, सेटलमेंट तुम मनी देके करो चाहे मनी इज वर्थ देके करो, उससे मतलब नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट एसेंस क्या है? सेटलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर सेटलमेंट हुआ है, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। पहले चेक करो ट्रांजैक्शन है कि नहीं है।
अगर एक्सचेंज ही नहीं हुआ है कुछ भी, नॉट अ ट्रांजैक्शन. अगर एक्सचेंज हुआ है तो ट्रांजैक्शन. अब उस ट्रांजैक्शन में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, कैश ट्रांजैक्शन कौन कौन सा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन कौन सा है. समझ में आया मेरा बात? हाँ. सो लिख लेंगे कैश ट्रांजैक्शन जहां पर इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इज डन. कैश मे नॉट बी देयर. ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, प्रॉमिसरी नोट भी कैश ट्रांजैक्शन है. और ये कैश तो कैश ट्रांजैक्शन है ही. इसका मतलब ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर को छोड़कर, वेरी गुड, इसको छोड़कर ऑल आर कैश ट्रांजैक्शन. पैसा देके सेटल करो, चेक देके सेटल करो, कुछ और देके सेटल करो, रिटर्न प्रॉमिस इज ऑल्सो सेटलमेंट. प्रॉमिसरी नोट में रिटर्न प्रॉमिस देते हैं ना, यस और नो? क्योंकि इस रिटर्न प्रॉमिस के बेसिस पे सामने वाला बैंक को इसको बेच पाता है. पढ़ा है तुम लोग बचपन में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक को बेच देते तो पैसा मिल जाता है. तो प्रॉमिसरी नोट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कैश. ये उधारी का कोई वैल्यू नहीं है. बोला बाद में आओ, बाद में गया, फिर बोला बाद में आओ, बट बाकी कोई भी केस में तुम पीछे नहीं हट सकता. बात करो ताऊ जी. उठा दिए. क्या हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ. तो कैश ट्रांजैक्शन में क्या खोजेंगे? सेटलमेंट हुआ है कि नहीं. अगर सेटलमेंट हो गया तो तब कैश ट्रांजैक्शन, नहीं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन. पैसा देके सेटल कर दिया, ठीक है, फाइन एनफ. चेक दे दिया, फाइन एनफ. कुछ और देके सेटल कर दिया, फाइन एनफ. ओरल प्रॉमिस देके सेटल किया, ओरल प्रॉमिस, तब क्रेडिट होगा. ओरल प्रॉमिस का कोई वैल्यू नहीं है. रिटर्न प्रॉमिस देके सेटल किया, क्यों? क्योंकि ये रिटर्न प्रॉमिस का मार्केट में वैल्यू है. इसके बेसिस पे बैंक क्या करेगा? पैसा दे देगा, डिस्काउंट, बिल खरीद लेगा बैंक, राइट? हाँ. तो मैं आपको प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा सा बात बताता हूं, फिर वो अपने जब रेस्पेक्टिव चैप्टर में जाएंगे तब अपने सीख लेंगे, राइट? सो वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. दोनों एक ही चीज है, राइट? रिटर्न प्रॉमिस. मिस्टर एक्स ने सेल टू वाई, ठीक है, तो हमारे बुक्स में वाई इज अ डेटर और इधर एक्स इज अ क्रेडिटर. बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? बिल ड्रॉन ऑन वाई बाई एक्स, क्या लिखता है इसमें? प्लीज पे मी ₹10,000 आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ. यहां पे डेट होता है, सब कुछ होता है, एक्स इसमें अपना साइन करता है, फिर बिल एक्सेप्टेड बाय वाई एंड रिटर्न्ड टू एक्स. ये बिल वापस से एक्स के पास में आता है, तो मेरे लिए क्या हो गया? ये बिल्स रिसीवेबल. इसके लिए क्या हो गया? बिल्स पेएबल, राइट? ये क्या माना जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन. क्यों?
क्योंकि हम इसको बैंक को बेच के पैसा उठा सकते हैं इजीली. तो इसमें लेने वाला बोलता है हमको दो और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है, और इसमें स्टैंपिंग वैम्पिंग भी कर लेते हैं, स्टैंप लगा लेते हैं, राइट. तो ये ऑथेंटिकेट हो जाता है डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है. टॉपिक आया तो साथ में साथ में बता दे रहे हैं, बाकी तो पूरा इसका चैप्टर है ही, अलग से पढ़ लेना. इज इट फाइन, समझ आ गया? अच्छा, यही चीज अगर अपने प्रॉमिसरी नोट का करते हैं, तो वाई प्रिपेयर्स द प्रॉमिसरी नोट. I will pay you after 3 months from now. डेट हो गया, वाई अपना साइन करके इसको दे देगा. Does not require any acceptance. Straight away मेरे लिए bills receivable, इसके लिए bills payable. तो बनाने वाला मेकर पेयर अलग अलग है. देखा, यहां पे पेयर खुद बना रहा है, वहां पे रिसीवर बना रहा है, और कुछ कुछ स्लाइट डिफरेंस है, राइट. वो अपने जब रेस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे. ठीक है, हाँ. सो कैश ट्रांजैक्शन में कैश होना जरूरी है क्या? नहीं. क्या होना जरूरी है? इमीडिएट सेटलमेंट इज डन. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मतलब समझ में आ गया. पहले देखेंगे ट्रांजैक्शन है कि नहीं है. है, ट्रांजैक्शन है. अगर है तो कौन सा? कैश की क्रेडिट. खाली ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर छोड़ के बाकी सब कैश ट्रांजैक्शन हो गया ये. अब इवेंट्स, राइट. किसका बात करेंगे हम लोग? इवेंट्स का. तो वहां था ना बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, तो ट्रांजैक्शन हो गया इवेंट्स. ध्यान से देखना, परचेस्ड गुड्स ₹1,00,000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,00,000, पेड सैलरी ₹20,000. राइट, ये सारे क्या हैं? ट्रांजैक्शन, वेरी गुड. आउटकम ऑब्लिक रिजल्ट बताओ. ये सारे ट्रांजैक्शन का आउटकम क्या है? सर हमको प्रॉफिट हुआ है 80,000 का. हाँ या ना? 1,00,000 में खरीद के 2,00,000 में बेचा, 20,000 सैलरी दिया, तो ये सारे ट्रांजैक्शन का आउटकम क्या है? प्रॉफिट. इसी को इवेंट्स बोलते हैं. तो इवेंट्स का मतलब हो गया रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. क्या बोलेंगे इवेंट्स को? रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट
क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब। ठीक है, दो लाख, एक लाख में खरीद के दो लाख में बेचा, हा? दो लाख लिखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी का क्लास को वो कर दो ना, तीन टो का इंक्रीप्ट करके ड्राइव में डालो। ठीक है, हाँ तो अब मेरे को बात बताओ, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है बुक्स में कि नहीं होता है? होता है। इवेंट्स रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता? होता है, नेट प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक तो दिखाते ही है ना, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और इवेंट भी रिकॉर्ड होता है, राइट? है ना, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है और इवेंट भी रिकॉर्ड हो रहा है, यस और नो? सो हम एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है मेरा अकाउंटिंग पीरियड, 12 महीने का होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, 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 जनरल में ना क्या बोलते हैं, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट ऑकर्स, है ना, यस और नो? तो सारा ट्रांजैक्शंस जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है हम सबको रिकॉर्ड कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके मतलब हम सबको प्लस रिकॉर्डिंग हो चुका है कंप्लीट, कितना जन है? ठीक है, सो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर इन जर्नल, राइट? तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है तो काफी सारा फाइनेंशियल आइटम्स आ रहा है, कैश आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, परचेज आ रहा है, सेल आ रहा है, उन सब का लेजर भी बना ले रहे हम, राइट? तो जर्नल में होता है इनिशियल स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, इनिशियल स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर लेजर में समराइज्ड बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट,
ठीक है, जनरल इनिशियल स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग है, एक्सचेंज क्या आया क्या गया उसका हिसाब किताब, राइट, जस्ट सिंपल रिकॉर्ड होता है डेबिट क्रेडिट। लेजर में जितने भी आइटम्स हैं सबका बैलेंस निकाला जाता है, हर आइटम्स का बैलेंस निकाला जाएगा, हर आइटम का क्या निकाला जाएगा, बैलेंस निकाला जाएगा, बरोबर है हा? सारे आइटम्स का क्या निकाला जाएगा, बैलेंस निकाला जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब पोस्टिंग एरर है कि नहीं चेक करना। अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, कितने टाइप की गलती होती है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ये रिकॉर्डिंग में गलती हुई है, रिकॉर्डिंग एरर। समझ में आता है मेरा बात, आर गेटिंग माई पॉइंट, ये गलती कहां हुई है, रिकॉर्डिंग में ये गलती हुआ है। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, पोस्टिंग एरर, एक अकाउंट में पोस्ट किया दूसरे में करना भूल गया। जैसे हर ट्रांजैक्शन में एक रिसीविंग एक गिविंग होता है, तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट करना भूल गया। थर्ड, एरर ऑफ कमीशन, इसको भी पोस्टिंग एरर बोलते हैं, मतलब एरिथमेटिकल मिस्टेक्स प्लस ऑब्लिक माइनस में। जैसे आपने किसी अकाउंट का टोटल गलत लिया तो बैलेंस भी गलत आएगा, हाँ, किसी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना था लेकिन आपने क्रेडिट में लिख दिया तो प्लस करना था आपने माइनस कर दिया, किसी अकाउंट को डेबिट करना था 500 से बट आपने डेबिट किया 50 से, गेटिंग माई पॉइंट, कमीशन एरर। सो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब पोस्टिंग एरर फाइंड आउट करने के लिए, राइट, ट्रायल बैलेंस टैली नो पोस्टिंग एरर, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली यस, पोस्टिंग एरर है, समझ में आ रहा है मेरा बात, हाँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ड्यूरिंग द ईयर सारा ट्रांजेक्शन को मैंने रिकॉर्ड किया, पहले डाटा कलेक्ट किया ट्रांजेक्शन एक्सचेंज, उसको रिकॉर्ड किया जर्नल में, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाता है, रिसीविंग गिविंग रिसीविंग गिविंग रिसीविंग गिविंग रिसीविंग प्लस गिविंग माइनस रिसीविंग प्लस गिविंग माइनस रिसीविंग प्लस गिविंग माइनस रिसीविंग प्लस गिविंग माइनस, डेबिट क्रेडिट उसी को तो बोलते हैं। फिर हर एक फाइनेंशियल आइटम कैश, बहुत बार रिसीव होगा बहुत बार दिए होंगे, तो कैश का लेजर बना के कैश का समराइज्ड बैलेंस निकालेंगे। बहुत बार गुड्स खरीदा होगा, परचेस अकाउंट बना के गुड्स का टोटल परचेस निकालेंगे। बहुत बार बेचा होगा, सेल अकाउंट बना के एक्सपेंस, हर महीना सैलरी दिया होगा तो मंथ पूरा साल का टोटल सैलरी पेड, टोटल रेंट पेड, राइट,
तो हर एक लेजर का, ईच लेजर अकाउंट का सबका समराइज बैलेंस निकाला जाएगा। अच्छा, आपने जनरल में प्लस माइनस दिखाया, रिसीविंग गिविंग रिसीविंग गिविंग रिसीविंग गिविंग, हर फाइनेंशियल आइटम का आप फिर बैलेंस निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जनरल से सारा ट्रांजैक्शन को आपको पोस्टिंग करना है। जनरल मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? जनरल मतलब रिकॉर्डिंग, लेजर मतलब पोस्टिंग। समझ में आया? तो जितना भी आपने रिकॉर्डिंग किया सारा रिकॉर्डिंग को आपको पोस्ट करना पड़ेगा, राइट? सैलरी पेड, तो सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट, तो सैलरी का डेबिट में जाएगा, कैश का क्रेडिट में जाएगा। गुड्स परचेज, परचेज टू कैश, परचेज का डेबिट में जाएगा, कैश का क्रेडिट में जाएगा। कैश टू कैपिटल, कैश का डेबिट में जाएगा, कैपिटल का क्रेडिट में जाएगा। फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर का डेबिट में जाएगा, कैश का क्रेडिट में जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो कैश कितना बार आ रहा जा रहा है, तो उसको प्रॉपरली पोस्ट करना हर ट्रांजैक्शन को, दो दो जगह। ऐसा हो सकता ना एक जगह किया दूसरा जगह भूल गया, पोस्टिंग एरर, पार्शियल ओमिशन, ऐसा हो सकता है ना? पोस्ट सही किया लेकिन उसका बैलेंस निकालते वक्त गड़बड़ कर दिया, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग। पोस्ट करना था डेबिट साइड में बट टू बाई का चक्कर में क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। लिखना था 500 लेकिन लिख दिया 50, है ना? तो इन गलतियों के कारण पोस्टिंग एरर, क्या पोस्टिंग एरर के कारण क्या टैली नहीं करेगा? ट्रायल बैलेंस का मतलब गलती है। कौन सा गलती है? रिकॉर्डिंग की पोस्टिंग एरर। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो तुम रिकॉर्डिंग एरर पकड़ेगा कि पोस्टिंग एरर पकड़ेगा? पोस्टिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन एंड पार्शियल ओमिशन। ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा तो कौन सा एरर नहीं है? पोस्टिंग एरर। रिकॉर्डिंग एरर तो हो सकता है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस रिकॉर्डिंग एरर नहीं डिटेक्ट करता है। ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, कौन सा एरर नहीं है? पोस्टिंग एरर नहीं है। कौन सा हो सकता है? रिकॉर्डिंग एरर। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, कौन सा एरर है? और रिकॉर्डिंग एरर भी हो सकता है। मतलब ट्रायल बैलेंस मैच करे चाहे नहीं करे, रिकॉर्डिंग एरर तो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ना ही डेबिट रिकॉर्ड हुआ है ना ही क्रेडिट, मतलब वो डाटा ही मिसिंग है, वो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ता है। ट्रायल बैलेंस वो पकड़ता है जो लेजर से जो बैलेंस आया है। तो जब मैच नहीं करेगा तो सारा लेजर बैलेंस देखेंगे, वो लेजर में देखेंगे सारा ट्रांजैक्शन का दो दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड, पोस्टिंग हुआ है कि नहीं। लेकिन जो जनरल में है ही नहीं उसको कहां से पकड़ेंगे? फिर से बताओ, ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, कौन सा एरर नहीं है? पोस्टिंग, मतलब पार्शियल ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। हाँ, ये जब स्पेसिफिक चैप्टर पड़ेगा तो और डिटेल में करेगा, अभी जब बेसिक बता रहा है, हमको पूरा एक अकाउंटिंग प्रोसेस का एक सम कराना है, राइट? ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, कौन सा एरर नहीं है? पोस्टिंग एरर नहीं है। कौन सा हो सकता है? रिकॉर्डिंग एरर। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया, पोस्टिंग एरर। कौन कौन सा होता है पोस्टिंग एरर? पार्सल ओमिशन एंड कमीशन। पार्सल ओमिशन मतलब एक अकाउंट में पोस्ट किया दूसरा में भूल गया। कमीशन मतलब अमाउंट गड़बड़ किया, साइड गड़बड़ किया, टोटल गलत निकाला, बैलेंस गलत निकाला। समझ में आया? हाँ, तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जाएगा वैसे वैसे रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। कहां पर? जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जाएगा रिकॉर्डिंग कहां करेंगे? जनरल में। रिकॉर्डिंग मतलब कैसा रिकॉर्डिंग? रिसीविंग गिविंग, रिसीविंग गिविंग, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये होता है। फिर हर फाइनेंशियल आइटम का क्या करेंगे? लेजर में पोस्ट करके क्या निकालेंगे? समराइज्ड बैलेंस। और फिर उस समराइज्ड बैलेंस से क्या बनाएंगे? टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब वेदर देयर इज एनी पोस्टिंग मिस्टेक्स और नॉट। रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स नहीं पकड़ पाएगा ट्रायल बैलेंस, पोस्टिंग मिस्टेक्स। समझ में आ रहा है? हाँ, बरोबर है, समझ में आ रहा है? बोलो, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ये हुआ, पिक्चर क्लियर है? जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा कहां रिकॉर्ड होगा? इनिशियली जनरल में। रिकॉर्डिंग मतलब प्लस माइनस, रिसीविंग गिविंग, रिसीविंग, ये रिसीव हुआ इसमें, ये दिया, ये रिसीव हुआ, ये दिया, ये लिया, ये लिया। समझ में आ रहा है? ये हिसाब, बहुत सारा फाइनेंशियल आइटम्स होगा,
याद है तुम लोग जनरल में 1, 2, 3, 4 लिखता था, जैसे कैश 1, कैपिटल 2, परचेज 3, फिर अगेन कैश आ गया तो वहां 1 लिखता था लेजर फोलियो नंबर, तो उतना लेजर तुमको बनाना पड़ेगा राइट. तो जितना भी फाइनेंशियल आइटम्स है सबको तुम क्या करेगा जनरल बनाने के बाद लेजर में क्या करता है उसको पोस्टिंग बोलते हैं. क्या बोलता है? पोस्टिंग. हर ट्रांजैक्शन को कितना अकाउंट में पोस्ट करना है? दो, एक प्लस में एक माइनस में. समझ में आ रहा है ना? कैश का डेबिट में, कैपिटल का क्रेडिट में. पोस्टिंग ठीक से करना, सारा अकाउंट का बैलेंस आएगा, उस बैलेंस से क्या बनाएगा? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस अगर टैली करता है तो कौन सा एरर नहीं है? पोस्टिंग नहीं है. कौन सा हो सकता है? ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं किया कौन सा एरर है? तो सारा पोस्टिंग को फिर से चेक करना पड़ेगा. इज दैट फाइन? ये सबका बेसिक बेसिक पॉइंट बताया हमने, डिटेल में नहीं गया मैं. ठीक है, बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन निकाल लिया ड्यूरिंग द ईयर, जितना ट्रांजैक्शन होगा सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एज एंड वेन कहां रिकॉर्ड करते हैं, सारा ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करते हैं? इनिशियली जनरल में. कैसे रिकॉर्ड करते हैं? प्लस माइनस, रिसीविंग गिविंग, बस यही दिखाते हैं. फिर बहुत सारा फाइनेंशियल आइटम्स आएगा, कैश, कैपिटल, परचेस. वो फाइनेंशियल आइटम का समराइज्ड बैलेंस कहां निकलेगा? लेजर में. हर ट्रांजैक्शन को कितना अकाउंट में पोस्ट करेंगे? दो में, डेबिट क्रेडिट. ठीक है, पोस्टिंग करने के बाद बैलेंस आ गया, फिर बैलेंस निकालने के बाद क्या बनाएंगे? किस लिए, क्या चेक करने के लिए? अरिथमेटिकल मतलब पोस्टिंग मिस्टेक, नॉट रिकॉर्डिंग. ट्रायल बैलेंस टैली करिए मतलब कौन सा एरर नहीं है? जनरल से लेजर में पोस्ट ठीक से हुआ है. ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं करता है मतलब पोस्टिंग एरर है, रिकॉर्डिंग एरर, तो ट्रायल बैलेंस पकड़ ही नहीं पाएगा. समझ में आ गया? एग्जाम में क्वेश्चन आता है एरर्स डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, तो पोस्टिंग एरर ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट कर लेता है क्योंकि मैच नहीं करता है उसके कारण ट्रायल बैलेंस, लेकिन रिकॉर्डिंग एरर ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके कारण ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है. राइट, समझ में आया? सो फिर से मैं ये डायग्राम दिखाऊंगा. ट्रांजैक्शन उनको जान में लगा. ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, 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 ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग. हो गया? हाँ. सो डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में कैश है, कैपिटल है, परचेज है, सेल है, एक्सपेंस है, फर्नीचर है. TALLY, TALLY. बताओ, सारा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जनरल में प्लस माइनस, सबका लेजर भी बनाया, कैश का, कैपिटल का, परचेस का, सेल का, सबका बैलेंस भी निकाला. जैसे कैश का कैरिड डाउन करके ब्रॉड डाउन किया, कैपिटल का कैरिड डाउन करके ब्रॉड डाउन किया, सबका ब्रॉड डाउन देखते राइट. आ गया? हाँ, टैली कर रहा है, कौन सा एरर नहीं है? नो एरर. नो पोस्टिंग एरर, बट एक एरर अभी भी हो सकता है, कंप्लीट ओमिशन, रिकॉर्डिंग एरर. ठीक है ना? रिकॉर्डिंग एरर कैन स्टिल बी देयर. इज दैट फाइन? समझ में आ गया मेरे पास? अच्छा, अब ध्यान से देखो, टैली कर गया, ठीक है. मेरे को बताओ, ये जो फाइनेंशियल आइटम्स है, ये जितना भी फाइनेंशियल आइटम्स है, ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? बैलेंस आ चुका है इनका. दीज
financial items are recorded. क्या सीधा फाइनल अकाउंट बनाए? नहीं. एंड ऑफ द ईयर, राइट, एंड ऑफ द ईयर देर आर फ्यू फाइनेंशियल आइटम्स विच आर known at the end of the year. समझ में आ रहा है? ये कौन सा फाइनेंशियल आइटम्स है? ट्रायल बैलेंस वाला, रिकॉर्डेड कि नॉट रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड है. कौन सा वाला? रिकॉर्डेड है. इनका समरी बन चुका है कि बनाना है? बन चुका है. ठीक है, कुछ कुछ फाइनेंशियल आइटम्स ऐसे हैं जो एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा. फॉर एग्जांपल बोलो, क्लोजिंग स्टॉक. कैश तो पता ही है, नेट प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन. समझ में आ रहा है? हाँ. क्या आप ये सारे फाइनेंशियल आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड कर सकते हैं? इसी को तो इवेंट्स बोलते हैं ना, रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. ये सारा ट्रांजैक्शन होने के बाद ये आउटकम्स निकल कर आता है कि पहले ही निकल कर आ जाएगा? बोलो. ये सारा ट्रांजैक्शन होने के बाद ना ये आउटकम्स निकल के आ रहा है. हा? पहले हमको बताओ, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं. किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? किया हुआ है. ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है सारा फाइनेंशियल आइटम्स. इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते? करते हैं. रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक. बट अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर पता ही नहीं चल पाता. क्या क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल सकते हैं? बताओ तो. जून महीना में क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, प्रीपेड क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्वेश्चन मार्क रह जाएगा. ये सब आप ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे सकते. आपको साल खत्म होने का वेट करना पड़ेगा. तब तक तो ट्रायल बैलेंस आप बना चुके हैं. इसीलिए ये ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है ये लोग. क्या देता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, इवेंट्स, रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, अबव ट्रांजैक्शन. तो बताओ, इनको जब मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा, राइट, इनको जब मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इसका कितना इफेक्ट आएगा? दो दो इफेक्ट. और ट्रायल बैलेंस में जो सब फाइनेंशियल आइटम्स है उसका कितना इफेक्ट आएगा? एक इफेक्ट, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है. नीचे वाला रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला, तो उसको उसका उसको रिकॉर्ड करने के लिए कितना इफेक्ट? दो दो इफेक्ट आएगा. लेकिन ये वाला ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस वाला, समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ. ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर हो जाता है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट, लेजर ड्यूरिंग द ईयर बना लिए, बैलेंस भी ड्यूरिंग द ईयर आ गया, ट्रायल बैलेंस रेडी है. अब एंड ऑफ द ईयर, कुछ कुछ चीज एंड ऑफ द ईयर ही पता चलेगा. आप चाह कर भी ड्यूरिंग द ईयर नहीं निकाल सकते. उसी को इवेंट्स बोलते हैं, रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So there are some financial items which are known at the end of the year. तो उनको record भी end of the year, at the time of preparing final account करते हैं. समझ में आ रहा पूरा process कैसे हो रहा है? हाँ, हमको फिर से बताइए. ये मेरा trial balance है, ठीक है. कई सारे assets हैं यहाँ पर, कई सारे expenses हैं, कई सारे income हैं, कई सारे liability है. ठीक है, बताइए. दीज फाइनेंशियल आइटम्स आर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड? बोलो. रिकॉर्डेड. तो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त कितनी जगह जाएगा?
एक ही बार आएगा सीधा डायरेक्ट, कैश एसेट एक्सपेंस पीएल में, इनकम पीएल में, लाइबिलिटी बैलेंस शीट, बरोबर है। इवेंट्स, फाइनेंशियल आइटम्स, नॉट नोन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वी हैव टू वेट फॉर ईयर टू एंड, हाँ यस और नो, तो इनको रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये है क्या, इसका स्टेटस क्या है, नॉट रिकॉर्डेड, तो नॉट रिकॉर्डेड को अगर रिकॉर्ड करना है तो कितनी जगह आएगा, दो जगह, ठीक है। तो सबसे पहला बात इज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, यस और नो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हाँ या ना, यस, रिकॉर्डिंग हो चुका है, यस, ठीक है, रिकॉर्डेड। इवेंट्स, इज इवेंट्स रिकॉर्डेड, आंसर इज यस, रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग हो चुका है, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं हाँ या ना, करते हैं, हो चुका है क्या, नहीं, तो करना है, राइट तो इसका फाइनल अकाउंट बनाते वक्त वन इफेक्ट, और इसका फाइनल अकाउंट बनाते वक्त टू इफेक्ट्स, समझ में आ रहा है मेरा बात। तो ट्रांजैक्शन भी रिजल्ट रिकॉर्ड होता है, उसका रिजल्ट भी रिकॉर्ड होता है, रिजल्ट ही तो कम्युनिकेट करना है, तो बिना रिकॉर्ड के कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और रिजल्ट ड्यूरिंग द ईयर पता नहीं चलेगा, हम लोग को ईयर एंड का वेट करना पड़ेगा, तो ट्रांजैक्शन इवेंट दोनों रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हो जाता है, लेजर बना लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लिया, सारा समराइज बैलेंस एक जगह आ गया, तो ट्रायल बैलेंस में जो सब आइटम है वो रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, एक जगह आएगा फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, ठीक है। इवेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, क्यों, क्योंकि अपने को ईयर खत्म होने का वेट करना पड़ेगा, तो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो जो चीज रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है उसको डायरेक्टली फाइनल अकाउंट के वक्त दिखाएंगे तो कितना इफेक्ट दिखाएंगे, टू इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग एक सम लेंगे, उसका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद डायरेक्ट फाइनल अकाउंट की इवेंट्स, इवेंट्स फाइंड आउट करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, बरोबर है, ठीक है, थैंक यू।